I write my life script myself. मैं सोच के समझ के विजुअलाइज करके प्रसन्न हो करके मैं अपना लाइफ का स्क्रिप्ट लिखता हूँ। प्रतिदिन रात को सोने से पहले मैं उसको लिखता हूँ और फिर उसके बाद उसको श्री चक्र के उसमें समर्पित करके मैं सो जाता हूँ। तो साधना, अपने को साध लेना, जो साधा नहीं था इसलिए असाध्य जीवन में जो घटनाएं होती हैं उसको हम कहते हैं असाध्य है। रोग हमारे जीवन में आ गया हम उसको कहते हैं असाध्य है, क्योंकि मैं स्वयं अपने को नहीं साध सका इसलिए मेरे पास जीवन में जो भी घटनाएं घटित हो रही वो असाध्य है, वो साधी नहीं जा सकती। लेकिन यदि मैंने स्वयं को साध लिया तो फिर असाध्य रहेगा ही नहीं। When I myself become साधक, जब मैं अपने को ही साध लूंगा तो असाध्य का क्या प्रयोजन मेरे जीवन में। सब कुछ साध्य है, नथिंग इज impossible, एवरीथिंग इज पॉसिबल फॉर मी, वट एवर आई कैन इमेजिन। मैंने बताया ना कि जो जो तुम बाहर जितने भी इन्वेंशन हो रहे हैं और उस इन्वेंशन को देख करके तुम प्रसन्न हो रहे हो, लेकिन मजे की बात जो इन्वेंशन बाहर होता है वो तभी होता है क्योंकि वो तुम्हारे भीतर ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है। दैट एग्जिस्ट, तो मुझे अपने भीतर की वो शक्तियों को भी साथ ही साथ जागृत करना है। मॉडर्नाइजेशन का फायदा तभी है, और ये तुम्हारे लिए एक ब्लेसिंग है मॉडर्नाइजेशन, लेकिन वो ब्लेसिंग तभी होगी कि जैसा बाहर इन्वेंशन हो रहे हैं वैसे इन्वेंशन तुम अपने भीतर भी करते जाओ। अगर भीतर खाली होगा तो बाहर के इन्वेंशंस में तुम दब के पिचक जाओगे, वो सह नहीं पाओगे उसको। और वही हो रहा है, कंप्यूटर्स इतनी नेगेटिव रेडिएशंस पैदा कर रहे हैं कि लोगों को रोग पैदा होने शुरू हो गए, आंखें खराब होनी शुरू हो गई। लेकिन यदि वो अपने भीतर को भी उसी प्रोपोर्शन में, मॉडर्नाइजेशन के प्रोपोर्शन में, अगर मनुष्य ह्यूमन बीइंग अपने को जागृत करना शुरू कर दे, इवन दैट इज ए साइंस। शिव योग इज ए साइंस, इज ए इनर साइंस। आप जो भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, चाहे वो फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, एटॉमिक फिजिक्स है, क्वांटम फिजिक्स है, बायोलॉजी है, वो बाहर है लेकिन वो भीतर भी है। द सेम बायोलॉजी एग्जिस्ट विद इन मी, द सेम फार्माकोलॉजी इट एग्जिस्ट विद इन मी, द सेम एटॉमिक फिजिक्स, क्वांटम फिजिक्स, बायोकेमिस्ट्री, दैट एग्जिस्ट विद इन मी। अगर मैं उसी को, अपने को भीतर भी पढ़ता जाऊंगा, भीतर भी मैं अपने विजडम को जागृत करता जाऊंगा, तो बाहर का ज्ञान मुझे सुख देगा। और अगर मैं अपने भीतर के उस विजडम को जागृत नहीं करूंगा तो बाहर का ज्ञान मेरी मुसीबत का कारण बन जाएगा। और ऐसा हो रहा है, we are becoming slave of those inventions, jabki I must remain the master. A shiva yogi has to remain the master, not the slave.